आईपीएल 2024 का मैच नंबर 26 लखनऊ के कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मुकाबला बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स अगर ये मुकाबला हार जाती है तो टीम के लिए टॉप फोर में पहुंचने की जो राह है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। बाहर तो नहीं होगी टीम लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में आकर दिल्ली कैपिटल्स अपने आप को पाएगी। तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो इस सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन अब तक बेहद शानदार रहा है, टॉप फोर में टीम मौजूद है। इस वीडियो में बात करेंगे हम दोनों ही टीमों के बीच में होने वाले इस मैच से, पहले पिच रिपोर्ट देखेंगे, वेदर रिपोर्ट की जानकारी आपको देंगे, दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर बात करेंगे, साथ ही साथ प्रोबेबल 11 पॉसिबल प्लेइंग 11 पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आईपीएल का 17वां सीजन अब मिड में आ चुका है, बीच के चरण अब शुरू हो चुके हैं जहां पर बहुत धमाकेदार मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे। शुरुआती फेज में जिन टीमों का प्रदर्शन अच्छा रहा था उनके लिए अब ये फेज थोड़ा सा आसान जा सकता है, वहीं जो शुरुआती दौर में जो शुरुआती मुकाबलों में खराब प्रदर्शन करके यहां तक पहुंचे हैं उनके लिए अब सही समय आ चुका है अपने आप को और बेहतर इंप्रूव करके मैचेस में रिजल्ट जो है वो अपने फेवर में ले आए, क्योंकि यहां से मुकाबले गंवाने का मतलब ये होता है कि आप टॉप फोर की रेस से बाहर होते चले जाएंगे। 26वां मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ में इकाना क्रिकेट स्टेडियम में और इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों के अब तक के प्रदर्शन पर अगर हम नजर डालें तो लखनऊ सुपर जायंट्स टॉप फोर में बनी हुई है, तीसरे नंबर पर मौजूद है। शुरुआती मुकाबला यानी इस सीजन का ओपनिंग गेम गंवाने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत की हैट्रिक लगा दी है, यानी जीत का चौका लगाने के लिए इस मैदान पर, इस मैच के लिए टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार है। वहीं अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे दिल्ली की टीम मौजूद है। 5 मुकाबले दिल्ली ने इस सीजन खेले हैं शुरुआती 2 मुकाबले गंवाने के बाद, तीसरा मुकाबला जीता और फिर उसके बाद बैक टू बैक 2 मुकाबले हार कर दिल्ली की टीम इस मैच के लिए तैयार हो रही है। यानी अगर इस मुकाबले को हार जाती है दिल्ली की टीम तो हार की हैट्रिक लग जाएगी, वहीं जो लखनऊ की टीम है वो जीत का चौका लगाना चाहेगी। अब पिच की बात कर लेते हैं, इकाना क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाना है। लखनऊ की जो पिच है वो बल्लेबाजों को मदद देती है लेकिन यहां पर बल्लेबाजी उतनी आसान नहीं है। बैटिंग सरफेस जो है वो बहुत अच्छा है लेकिन बैटिंग करना उतना आसान है नहीं यहां पर, क्योंकि यहां पर गेंदबाजों को मदद मिलती है, खास तौर पर स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद है। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पिच की बात करें तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ की पिच बल्लेबाजों के साथ स्पिनर्स को भी मदद देती है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में बल्लेबाजी बहुत मुश्किल मानी जाती है, आईपीएल के पिछले सीजन में यहां सबसे कम स्कोर भी बने थे, यहां पहली पारी का औसतन स्कोर 147 के करीब रहा है। इस पिच पर रन चेस करना बेहद कठिन रहता है, इस धीमी पिच पर स्पिनर्स का दबदबा रहता है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाजी मुश्किल से बहुत ज्यादा मुश्किल होती जाएगी, इस मैदान पर चेस काफी मुश्किल है, लिहाजा टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है। तो पिच रिपोर्ट में साफ है कि यहां पर बल्लेबाजी आप कर सकते हो, सरफेस अच्छा है लेकिन स्पिनर्स को मदद बहुत ज्यादा है। अगर स्पिनर्स को मदद मिलनी लग गई, स्पिनर्स ने अगर इस पिच से मदद उठानी शुरू कर दी तो फिर बल्लेबाजी बहुत मुश्किल हो जाएगी। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला कप्तान कर सकते हैं क्योंकि सेकेंड इनिंग में बैटिंग और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बैटिंग के लिए यह पिच और ज्यादा मुश्किल होती चली जाएगी। अब वेदर रिपोर्ट अगर आपको बताए तो इस मैच के लिए जो पूर्वानुमान किया गया है उसके मुताबिक बारिश की कोई संभावना नहीं है, पूरे 40 ओवर का मैच आपको देखने को मिलेगा। मौसम का मिजाज लखनऊ में कैसा रहेगा, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले मैच के दिन लखनऊ का मौसम साफ रहने वाला है, दिन के समय यहां का तापमान 37 डिग्री के आसपास बना रहेगा, तो वहीं शाम में यह गिरकर 19 डिग्री तक पहुंच सकता है। मैच के दिन बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, मैच के दौरान लगभग 6-8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। यानी मौसम विभाग ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक बारिश या अन्य किसी कारण मैच रद्द नहीं होने वाला है। अगर आपको यही चिंता सता रही थी कि क्या बारिश की वजह से मैच रद्द होगा तो आप रिलैक्स हो जाइए, ये मैच आपको पूरे 40 ओवर का देखने को मिलेगा और मैच का लुत्फ आप पूरी अच्छे तरीके से उठा पाएंगे और ये काफी रोमांचक मुकाबला होने वाला है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये मैच बेहद
इंपॉर्टेंट है ये मैच, दिल्ली को हर हाल में जीतना है। दिल्ली कैपिटल्स बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत अच्छे पोजीशन में इस समय है, अपने घर में खेल रही है, शानदार तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो लखनऊ के लिए ये मुकाबला एक आसान मुकाबला भी हो सकता है क्योंकि टीम के पास मोमेंटम है। अब दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। पॉसिबल प्लेइंग 11 में शुरुआत लखनऊ सुपर जायंट्स से ही करते हैं। होम टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, अच्छा प्रदर्शन अब तक रहा है। लगभग जो खिलाड़ी है टीम के सभी ने शानदार प्रदर्शन किया है, कुछ खिलाड़ियों को अगर हम छोड़ दें, लेकिन वो खिलाड़ी भी कुछ मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। यानी कि हमने देखा है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में अगर कोई खिलाड़ी पिछले मुकाबले में नहीं चलता है तो वो उसके बाद के मुकाबले में चल जाता है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बैलेंस नजर आ रही है और काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। पॉसिबल प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो ओपनिंग में कोई बदलाव हमें देखने को मिलने वाला है नहीं। केएल राहुल और क्विंटन डीकॉक की जोड़ी ओपनिंग करते हुए हमें नजर आने वाली है। केएल राहुल थोड़े कंसिस्टेंट है क्विंटन डीकॉक के मुकाबले, क्विंटन डीकॉक ने अब तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया, हालांकि कुछ मुकाबलों में उन्होंने जरूर रन बनाए हैं। उसके बाद देवदत्त पाडिकल आएंगे, देवदत्त पाडिकल लगातार फ्लॉप हो रहे, ये एक ऐसे खिलाड़ी है इस टीम में जो लगातार फ्लॉप हो रहे और डबल डिजिट में स्कोर बनाना इनके लिए ऐसा लग रहा है जैसे मानो डबल डिजिट में स्कोर बनाना कोई पहाड़ जैसा काम हो। देवदत्त पाडिकल को हालांकि टीम ड्रॉप करेगी नहीं क्योंकि बहुत बड़े नाम है और आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है और यही कारण है कि इन्हें टीम ने अपने स्क्वाड में जो है वो शामिल किया है, राजस्थान रॉयल्स से अपने टीम में शामिल किया है ट्रेड के जरिए। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस आएंगे, मार्कस स्टोइनिस ने कुछ मुकाबलों में अच्छी बल्लेबाजी की है, मिडल ऑर्डर को मजबूती देने का काम करेंगे, साथ ही साथ गेंदबाजी में भी योगदान ये देने वाले हैं। निकोलस पुरन एक ऐसा नाम इस टीम में प्लेइंग 11 में जो कंसिस्टेंटली रन बना रहे, लगभग हर मुकाबले में इन्होंने रन बनाए हैं, तो मार्कस स्टोइनिस पर आप नजर रखिएगा। उसके बाद दीपक हुड्डा देवदत्त पाडिकल और आयुष बदोनी, ये तीन ऐसे नाम हैं प्लेइंग 11 में होंगे भी और ये तीनों ही अब तक परफॉर्म नहीं कर पाए, उस कैलिबर का प्रदर्शन उन्होंने दिया नहीं है जिसके लिए ये जाने जाते हैं। अब हम आगे अगर बढ़े तो कृणाल पांड्या, एक मैच में बल्ले से इन्होंने कहर मचा दिया था और उसके बाद भी बल्ले से निराश नहीं किया इन्होंने, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं बल्लेबाजी के लिए और लगभग दो या तीन मुकाबले ये नॉट आउट लौटे हैं, रन ज्यादा नहीं बना पाए, ये बल्ले से ज्यादा योगदान नहीं दे पाए। एक मुकाबले को अगर आप छोड़ दें जिसमें इन्होंने 50 लगाया था और उस मुकाबले को अगर आप छोड़ देंगे तो एक मैच में 7 नॉट आउट है, एक मैच में 2 नॉट आउट है, एक मैच में 0 नॉट आउट है, यानी नॉट आउट लौटे हैं, बल्ले से निराश नहीं किया और गेंदबाजी में भी ये अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मुकाबले में तो मैच को सिंगल हैंडेडली इन्होंने पलट कर रख दिया था, 3 विकेट्स ले लिए थे। तो कृणाल पांड्या पर आप नजर रखिएगा, बल्ले से भी अच्छा करेंगे और गेंदबाजी में तो ये अच्छा करेंगे ही क्योंकि इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच इनको मदद देगी क्योंकि ये स्पिन गेंदबाज हैं और इनके साथ साथ मदद देगी रवि बिश्नोई को भी। रवि बिश्नोई बहुत ही शानदार स्पिनर है, अब तक वैसा कोई स्पेल ऐतिहासिक स्पेल इन्होंने इस सीजन किया नहीं, लेकिन इन पे आप नजर रखिएगा, ये अच्छी गेंदबाजी करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो यश ठाकुर और नवीन उल हक, दो प्रॉपर गेंदबाज प्लेइंग 11 में शामिल होंगे और पिछले मुकाबले में मयंक यादव एक ओवर करके जो है उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी नहीं की थी, अगर वो पूरी तरह से फिट रहते हैं तो वो गेंदबाजी करने आ पाएंगे। तो टीम जो है बैलेंस नजर आ रही है, प्लेइंग 11 में काफी सॉर्टेड नाम है और शानदार टीम है, शानदार प्लेइंग 11 है। आप कमेंट करके बताइएगा क्या यही प्लेइंग 11 आपको भी लगता है मैच में होंगी या आपके हिसाब से कोई बदलाव आप देख रहे हैं। मोहसिन खान भी प्लेइंग 11 में शामिल किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, टॉस का क्या रहता है मामला, अगर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का मतलब टॉस हारकर अगर पहले गेंदबाजी करना पड़ा लखनऊ सुपर जायंट्स को तो ऐसी स्थिति में आपको मोहसिन खान प्लेइंग 11 में दिखेंगे और फिर उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उनको बाहर बिठा दिया जाएगा। अब हम नजर डालते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 पर। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में बहुत कुछ जो है सही नहीं चल रहा है, दिल्ली कैपिटल्स की टीम में बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है, नाम बहुत बड़े बड़े हैं फिर चाहे डेविड वार्नर हो, पृथ्वी शॉ हो, ऋषभ पंत हो, अभिषेक पोरेल हालांकि नए नाम है लेकिन बहुत शानदार टीम नजर आती है, एनरिक नोकिया है, कुलदीप यादव है, टीम के पास मुकेश कुमार भी है, तो बहुत बड़े बड़े नाम है लेकिन टीम उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं, डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की जोड़ी आपको दिखेगी प्लेइंग 11 में। पृथ्वी शॉ 3 मुकाबले खेल चुके और 3 में से 2 मुकाबलों में उन्होंने 50 लगाई है, तो पृथ्वी शॉ पर आप नजर रखिएगा, पृथ्वी शॉ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आने वाले हैं।
हालांकि अगर पैटर्न हम देखें तो पहला मुकाबला जो खेला था उसमें 50 लगाई थी, उसके बाद के मुकाबले में जल्दी निपट गए थे और फिर उसके बाद यानी पिछले मुकाबले में 50 लगाई थी, तो क्या इस मुकाबले में फिर जल्दी निपट जाएंगे या फिर उस पैटर्न को तोड़ेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। डेविड वार्नर बहुत बड़े नाम है आईपीएल इतिहास में, इनसे ज्यादा किसी भी बल्लेबाज ने, विदेशी बल्लेबाज ने रन नहीं बनाया, इनसे ज्यादा 50 किसी विदेशी बल्लेबाज के नहीं है, तो बहुत बड़े नाम है और इनसे उसी तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद टीम को हमेशा होती है, लेकिन इस सीजन कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया है। एक आध मुकाबले को अगर आप छोड़ दें तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद देखिए सिचुएशन के हिसाब से प्लेइंग 11 में नाम आते रहेंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं ऋषभ पंत है मिडल ऑर्डर में, मिचेल मार्श है और उसके बाद अभिषेक पोरेल, ये तीन जो नाम है वो मिडल ऑर्डर में आपको खेलते हुए दिखेंगे। अभिषेक पोरेल को फिनिशर की भूमिका भी दी जा सकती है सिचुएशन के हिसाब से, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, कैसा सिचुएशन रहता है, कितने स्कोर पर कितने विकेट गिरे हैं, कितने ओवर बचे हुए हैं, वो तमाम चीजें फैक्टर डालेंगी कि कब कौन सा प्लेयर आपको बल्लेबाजी करते हुए प्लेइंग ऑर्डर में आएगा, मतलब बल्लेबाजी करने के लिए आएगा। मिचेल मार्श नंबर तीन पर भी आ सकते हैं, हो सकता है अभिषेक पोरेल नंबर तीन पर आ जाए अगर जल्दी विकेट गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभिषेक पोरेल भी बल्ले से ये अच्छा इंप्रेस कर रहे हैं। उसके बाद एक बल्लेबाज आएगा ट्रिस्टन स्टब्स नाम से, वो बेहद शानदार फॉर्म में और लगातार अच्छा कंसिस्टेंटली वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, टीम भले ही हार रही है लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। ट्रिस्टन स्टब्स जो है बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और फाइट बैक देते हैं वो, भले ही देखिए हारा हुआ मैच होता है, पता चल जाता है कि भाई अब ये मैच यहां से दिल्ली नहीं जीतेगी, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रिस्टन स्टब्स जो है वो रन बनाना नहीं छोड़ते, ये दर्शाता है कि रनों की भूख उनके अंदर कितनी है। तो ट्रिस्टन स्टब्स जो है विकेट कीपर बल्लेबाज है, साउथ अफ्रीका से आते हैं लेकिन ये कंसिस्टेंटली रन बना रहे। उसके बाद अगर हम गेंदबाजों की तरफ देखें तो कुलदीप यादव, एनरिक नोकिया, खलील अहमद और मुकेश कुमार, ये प्रॉपर चार गेंदबाज आपको खेलते हुए दिखेंगे। कुलदीप यादव को इस मैदान पर बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, हालांकि एक नाम मिस कर गए अक्षर पटेल का, जो बल्ले से भी योगदान देंगे और गेंदबाजी में भी योगदान देंगे, बापू बेहद कारगर साबित हो सकते हैं इस मैदान पर। तो प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल भी नजर आने वाले हैं। एनरिक नोकिया तेज गति से गेंद डालते, हालांकि पिछले मैच में जो आखिरी ओवर इन्होंने डाला था अपने स्पेल का वो ये भूलना चाहेंगे, मुंबई इंडियंस के खिलाफ इनको 32 रन पिट गए थे, मतलब 32 रन जो है रोमारियो शेफर्ड ने इनको लगा दिए थे, तो वो जो है नाइटमेयर वो भूलना चाहेंगे और वो भूल कर आएंगे इस मुकाबले में। तो प्लेइंग 11 काफी ज्यादा, नाम तो देखिए बहुत बड़े बड़े हैं, फिर चाहे वो डेविड वार्नर का हो, पृथ्वी शॉ हो, ऋषभ पंत हो, ट्रिस्टन स्टब्स हो, अक्षर पटेल हो, कुलदीप यादव, एनरिक नोकिया, खलील अहमद, मुकेश कुमार, बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन पांच मुकाबले जो इस सीजन अब तक खेले उसमें सिर्फ एक मुकाबले को जीतने में कामयाब हुई है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। तो कमेंट करके आप बताइएगा जो प्लेइंग 11 हमने आपको बताई है दोनों ही टीमों की, क्या आप उससे सहमत है या आपको लगता है कि भाई नहीं यार इसमें बदलाव की गुंजाइश है, नहीं इस खिलाड़ी की जगह कोई दूसरा खिलाड़ी आना चाहिए। तो जो भी आपकी राय हो कमेंट हमें जरूर करिएगा। अब बात करते हैं, प्लेइंग 11 हमने देख ली, अब बात कर लेते हैं हम दोनों ही टीमों की, जो हेड टू हेड आंकड़े हैं दोनों ही टीमें अब तक आईपीएल के इतिहास में जितनी बार भी आमने सामने आई है तो उसमें किसका बोलबाला रहा है, तो भाई उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स का एक छत्र राज है। एक छत्र राज से मेरा मतलब है कि दिल्ली कैपिटल्स आज तक आईपीएल इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स से जीत नहीं पाई है, लखनऊ सुपर जायंट्स आज तक दिल्ली कैपिटल्स से हारी नहीं है। तीन बार, सिर्फ तीन बार ये दोनों ही टीमें आमने सामने आए हैं और इन तीनों ही मुकाबलों को लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीता है और दिल्ली कैपिटल्स की टीम चाहेगी, देखिए रिकॉर्ड तो बराबरी नहीं कर पाएगी दिल्ली की टीम इस मुकाबले को जीतकर, लेकिन हाँ जरूर दिल्ली कैपिटल्स चाहेगी इतिहास बनाना। इतिहास कैसे? पहली बार अगर जीत लखनऊ सुपर जायंट्स पर दर्ज होती है तो फिर वो इतिहास तो दर्ज हो ही जाएगा कि हाँ भाई इस दिन को इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पहली बार कोई काम किया था, तो इतिहास रचना चाहेगी, जीत दर्ज करना चाहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप कमेंट करके हमें बताइएगा आईपीएल 2024 में मैच नंबर 26 कौन सी टीम जीतने में कामयाब होगी, क्या लखनऊ सुपर जायंट्स जिस फॉर्म में है, जिस रूप में है, जिस तरीके से खेल रहे हैं उसी तरीके से खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स पर शानदार जीत दर्ज करेगी या फिर दिल्ली कैपिटल्स पहली बार आईपीएल के इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराने में कामयाब होगी।